आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2024। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे विश्व कप 2024 जो कि T20 फॉर्मेट में खेला गया, तो इसी के बारे में हम लोग सारी जानकारी को देखेंगे। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो सभी आप लोग यहाँ पे अभी देखेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में। तो यह कहाँ हुआ? तो यह हुआ वेस्ट इंडीज़ और USA में। तो इसका जो होस्ट हुआ इस बार वेस्ट इंडीज़ में और साथ साथ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ। कब से हुआ? तो यह 2 जून से लेकर के 29 जून के बीच में खेला गया यह T20 वर्ल्ड कप विश्व कप। इसका जो संस्करण था कितना, तो यह था 9वें नंबर का, यानी 9th नंबर का यह संस्करण रहा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर कितने टीमों के बीच खेला गया, तो यह टोटल जो है 20 टीम्स यानी 20 टीमों के बीच में खेला गया मैच। टोटल मैच फाइनल सहित 55 मैचेस खेले गए फाइनल को मिलाने के बाद में। इसका जो एंथम है वह क्या है, तो वह एंथम है आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका जो एंथम है यह T20 वर्ल्ड कप का वह था आउट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। टोटल 20 टीमों के बीच खेला गया, टोटल 55 मैच खेले गए और यह जो है इसका 9वें नंबर का एडिशन रहा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं आगे में। दोस्तों यहाँ पे सेमीफाइनल में पहुँचने वाली जो टीमें थी वो कौन कौन सी थी, तो वह थी इंडिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और इंग्लैंड। तो ये जो है 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुँची थी, भारत, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीम, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों फाइनल मैच की बात करते हैं, तो फाइनल मैच जो है वह खेला गया 29 जून को बारबाडोस में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 29 जून 2024 को खेला गया बारबाडोस में। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें हुआ कि भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 रन 7 विकेट पर 20 ओवरों में बनाया। दक्षिण अफ्रीका बाद में बैटिंग करते हुए यह 169 रन ही बना पाया टोटल 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर। तो इस प्रकार से भारत ने जो है 7 रन से हरा करके दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत ने 7 रन से हरा करके दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना। पहली बार जो बना था वह 2007 में बना था, उस समय महेंद्र सिंह धोनी जो है वह कैप्टन थे और इस बार के जो भारतीय टीम के कैप्टन रहे वह थे रोहित शर्मा, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहली बार जो है 2007 में जीता गया था, दूसरी बार जो है भारत 2024 में जीता, ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार से भारत दूसरी बार T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच के बारे में, यानी कि जो है फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे, तो वह रहे विराट कोहली, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्लेयर ऑफ द मैच रहे विराट कोहली। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेट्स के बारे में, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं जहाँ से जानकारी को जरूरी है याद रखना, तो वो चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर मोस्ट रन, सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में, तो वह बनाया रहमानुल्ला गुरबाज, 281 रन 8 मैच खेल करके, तो 281 रन बनाए 8 मैचेस में। और ये जो खिलाड़ी हैं वो अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, रहमानुल्ला गुरबाज। मोस्ट विकेट कौन लिया, तो मोस्ट विकेट जो लिए वो फजल्ला फारूकी, जो कि 17 विकेट लिए टोटल 8 मैचों में, तो 8 मैचों में 17 विकेट लिए फजल्ला फारूकी। तो यहीं पर भारत के जो है वो अर्शदीप सिंह ने भी 17 विकेट ही लिए 8 मैचों में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि 8 मैचेस में 17 विकेट लिए अर्शदीप सिंह और फजल्ला फारूकी, तो ये दोनों नाम को आप लोग ध्यान रखेंगे, मोस्ट रन में रहमानुल्ला गुरबाज और मोस्ट विकेट में फजल्ला फारूकी के साथ साथ अर्शदीप सिंह, तो ये आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि यह जो टूर्नामेंट हुआ, जो वर्ल्ड कप हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे एक मैच में, तो वह बनाए थे निकोलस पुरन ने, जो कि 98 रन रहा, तो ये हाईएस्ट स्कोर रहा इस बार का इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर, तो निकोलस पुरन जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों मोस्ट फोर्स यानी सबसे ज़्यादा चौके किसने मारे, तो सबसे ज़्यादा चौके जो मारे वह ट्रेविस हेड ने मारे हैं, टोटल 26 चौके मारे और यह 7 मैच में ही मारे हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा चौके मारे 26 गो। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा छक्के किसने मारे, तो सबसे ज़्यादा छक्के जो मारे वह वेस्ट इंडीज़ के निकोलस पुरन ने मारे, जो कि 17 छक्के हैं 7 मैचेस में, तो यह आप लोग याद रखेंगे, निकोलस पुरन जो कि वेस्ट इंडीज़ के हैं वो 17 सिक्सेस बनाए 7 मैच में, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि फाइनल मैच में कौन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रहा वह जसप्रीत बुमराह रहे, जो कि इंडिया के हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में प्लेयर ऑफ द मैच, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे जसप्रीत बुमराह, तो ये आप एकदम बिल्कुल ही अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, हो सकता है यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएँ। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि प्राइज मनी के रूप में क्या क्या दिया गया, तो प्राइज मनी के रूप में भारत को जो कि विनर बना, तो इसको बना कप, साथ साथ $2.45 मिलियन भी मिले हैं, तो ये देख रहे हैं कि कप भी मिले,
वर्ल्ड कप कप और साथ ही साथ में 2.45 मिलियन डॉलर मिले। साउथ अफ्रीका जो कि रनर अप रहा तो उसको मिला 1.28 मिलियन डॉलर। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 1.28 मिलियन डॉलर मिला। तो यहाँ पर भारत को कप के साथ में 2.45 मिलियन डॉलर मिला। तो दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हुआ कि सेकेंड टाइम इंडिया जो है वर्ल्ड चैम्पियन बन गया। इससे पहले 2007 में बना था, लेकिन इस बार जो है रोहित शर्मा की कैप्टनशिप में भारत दूसरी बार विजेता बन गया। तो ये बहुत ही प्राउड करने की बात है कि भारत जो है दूसरी बार वर्ल्ड कप विनर बन गया। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं वो आप लोग ध्यान रखेंगे, हो सकता है यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन में पूछ लिए जाएँ। तो ये था T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में जो जानकारी।